प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार तीन आधार रेखा पीपल, प्रॉफिट और प्लैनेट यानी लोग, मुनाफा और धरती पर केंद्रित है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी देश के नेता को दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी को देश को उत्कृष्ट नेतृत्व देने के लिए चुना गया है। देश के लिए अथक ऊर्जा के साथ उनकी निस्वार्थ सेवा की वजह से देश ने बेहतरीन आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय विकास हासिल किया है। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान अब नवाचार और मूल्य वर्धित उत्पादन केंद्र, मेक इन इंडिया के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, लेखांकन और वित्त जैसे पेशेवर सेवाओं के केंद्र के रूप में हुई है। प्रशस्ति पत्र में यह भी कहा गया है कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से सामाजिक लाभ और वित्तीय समावेशन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार सहित डिजिटल क्रांति मुमकिन हो सकी। इससे उद्यमिता, व्यापार, सुगमता और देश के लिए 21वीं सदी का ढांचागत विकास करने में मदद मिली है। इसमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी कई पहलों पर चर्चा की गई है, जिससे भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक आकर्षक उत्पादन और व्यापार केंद्र के रूप में उभरा है। गौरतलब है कि प्रोफेसर फिलिप कॉटलर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। बीमारी के चलते प्रोफेसर कॉटलर ने अमेरिका के जॉर्जिया के इमोरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जगदीश सेठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार प्रदान करने के लिए भेजा था। डीडी न्यूज़।